चैप्टर फोर मोशन इन अ प्लेन मोशन इन अ प्लेन के सवाल जवाब देख रहे हैं स्टेट फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्कैलर और अ वेक्टर स्कैलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो तो इनमें से स्कैलर क्वांटिटी है वॉल्यूम मास स्पीड डेंसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके अलावा अगर आप वेक्टर की बात करें जिसके साथ डायरेक्शन होगा तो अगर डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत करें डिस्प्लेसमेंट के बाद से से ही वेलोसिटी निकलती है, velocity से निकलता है तो ये तीनों और साथ में एंगुलर वेलोसिटी ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन दी फॉलोइंग लिस्ट इसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है वर्क एनर्जी और करंट वर्क कैसे दिखाया जाता है ये आपका डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो क्वांटिटी इसका स्केलर होता है इसीलिए वर्क आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जहां तक करंट की बात है करंट का केवल मैग्नीट्यूड होता है इसका डायरेक्शन हम नहीं काउंट में नहीं लेते इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है इसमें से आपको केवल वेक्टर क्वांटिटीज निकालनी है वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डिरेक्शन भी हो तो इसमें केवल इंपल्स आकार देखें इंपल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का फोर्स और टाइम का और हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ टाइम स्केलर क्वांटिटी है वो दोनों मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे आपको रीजन के साथ बताना है जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हैं जो यहां पर अभी दिए जा रहे हैं ए से एफ तक स्केलर के साथ और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ये मीनिंगफुल है या नहीं ये मीनिंगफुल पहला वाला है एडिंग एनी टू एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डिमेंशन ये मीनिंगफुल नहीं है मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय एनी स्केलर ये मीनिंगफुल है ये भी मीनिंगफुल है मल्टीप्लाइंग एनी टू स्के एडिंग एनिंग टू वैक्टर्स ये भी आपका मीनिंगफुल है इसके अलावा एडिंग ए कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर टू द सेम वैक्टर ये भी मीनिंगफुल है यानी कि सार में ये कहा जाए कि ऐड करना है स्केलर को वेक्टर के साथ सेम डिमेंशन ये नॉट मीनिंगफुल है तो ये क्यों है कैसा है देखिए जब आप दो स्केलर को ऐड करते हैं यदि मीनिंगफुल कब है ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएं दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए दूसरा हमने कहा कि ये मीनिंगफुल नहीं है जब हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से तो उसका कोई मीनिंग नहीं है या तो वेक्टर को वेक्टर से ऐड करिए स्केलर को स्केलर से ऐड करिए अगला जो है बाकी सारे मीनिंगफुल है जब स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ जैसे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ ताकि इंपल्स निकल के आ जाए ऐसी जो स्केलर है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो जो रिप्रेजेंट करता हो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ चाहे सेम या डिफरेंट डिमेंशन के बाप जहां तक एडिशन की बात आती है दो वेक्टर क्वांटिटीज की ये मीनिंगफुल है तब जब दोनों ही रिप्रेजेंट करते हो सेम फिजिकल क्वांटिटी ये ध्यान रखिएगा सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ये मान्य है अच्छा जब कॉम्परेंट वेक्टर का उसको ऐड किया किसी सिमिलर वेक्टर से तो इसका मतलब उनके सेम डिमेंशंस होने चाहिए दे बोथ हैव द सेम डिमेंशन आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है केयरफुली और रीजन के साथ बताना है कि यह सत्य है या असत्य है ट्रू है या फॉल्स है तो देखिए पहला आपका इनमें से एक एक करके मैं यहाँ ऐसे डिस्कस करता हूं यहाँ इस, इस तरीके से डिस्कस करते हैं जो पहला है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है स्केलर होता क्या है स्केलर एक नंबर होता है इसका मतलब वाकई में स्केलर होता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूडर इज स्केलर हर एक कॉम्पोनेट uh, अगर हम इसकी बात करें ईज कॉम्पोनेंट ऑफ अ वैक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर तो जो कॉम्पोनेट होता है वैक्टर का वो स्केलर नहीं होता है, वो अपने आप में वैक्टर होता है तीसरा है जो टोटल पाथ लेंथ है इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल टोटल पाथ लेंथ क्या होता है जितना आप चले उतना आपने जोड़ दिया स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि, कि किस जगह चले आप किस किस डायरेक्शन में चले तो टोटल पाथ लेंथ वो हमेशा बड़ा होगा जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट से ये बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के तब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फिर उसके बाद अगला देखते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ पाथ लेंथ डिवाइडेड टेकन टू कवर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ऑफ द पार्टिकल ओवर टाइम ये क्यों है क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से अगली बात करें तो तीन वेक्टर है जो प्लेन में एक प्लेन में नहीं नॉट लाइंग इन अ प्लेन अब इनको कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर ऐसा हो सकता है देखिए तीन वेक्टर जो अलग अलग प्लेन में हो सकता है प्लेन में ना लाए कर रहे हैं उसको हम ट्राइंगल के साइड की तरह कैसे दिखाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हुआ पहला ट्रू है फिर बाकी दोनों फॉल्स है फिर ट्रू है फिर ट्रू है एस्टैब्लिश दी फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज इन वेक्टर इनइक्वालिटीज को या तो ज्योमेट्री से दिखाइए या और किसी तरीके से दिखा सकते हैं आप जिब्रिकली दिखा सकते हैं एनालिटिकली दिखा सकते हैं तो व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबाउ अप्लाई इक्वालिटी क्योंकि सब में या तो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इज इक्वल टू कब आएगा तो पहले से शुरुआत करते हैं देखिए ए प्लस बी है इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है और ये ए और बी अलग अलग लिया गया है तो दो वेक्टर हमने लिए ए और बी इसको हमने क्या किया जो पैरलोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड ये ए हो गया ये हो गया ये बी हो गया तो ये भी बी हो गया अब इसमें देखिए इसमें ओ एम क्या है ए राइट right? अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड भी ए होगा इसके अलावा अगर आप इस एम एन को देखें ये बी है और ओ एन क्या हो जाएगा ए प्लस बी इस ट्राइंगल में हर एक साइड ईच साइड इज स्मॉलर देन सम ऑफ अदर टू साइड्स कहने का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी दो साइड को जोड़ दें दें इसको 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 या इसको 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 जोड़ या किसी भी दो साइड को जोड़ दें तो वो हमेशा तीसरे साइड से ऊपर होती है बड़ी होती है यानी कि अगर ये जो हमने अभी अभी ट्राइंगल देखा इसमें ओ एम एन में ओ एन किसी भी दो साइड को जोड़ दीजिए ओ एम प्लस एम एन से आ, हमेशा कम ही रहेगा यानी कि ये क्या था अभी अभी आपने देखा ए प्लस बी है अभी अभी हमने ट्रैलरोग्राम लॉ से निकाला ये हम अलग से ये लिख रहे हैं बी लिख रहे हैं तो यानी ये चीज हो गई यदि दो वेक्टर ए और बी ये स्ट्रेट लाइन में काम करें सेम डायरेक्शन में तो आप कह सकते हैं ये बराबर होंगे ये तो लेस देन हो गया ये बराबर होंगे अब इस लेस देन को और इज इक्वल टू को बर... को साथ कंबाइन कर लीजिए आपका ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू ये पहली चीज हो गई अब अगले पे आते हैं दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी इसको फिर से हमने एडजस्टेंट साइड से बताया कि हमारा ये ए है ये बी है तो ये ए प्लस बी होगा इसी तरीके से ओ एम फिर फिर से वही चीज देखिए ओ एम आपका ए है एम एन आपका ये एम एन ये बराबर है किसके ओपी के तो यानी कि ये भी बी हो जाए जा, हो जाएगा अब ओ एन क्या होगा ए प्लस बी अब ट्राइंगल में जैसे मैंने बताया हर एक साइड वो छोटा होगा सम दूसरे दूसरे जो दो साइड्स है उसके बराबर होगा मतलब उनके से कम ही होगा ये तो ट्राइंगल का लॉ है तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें इस ओ एम और एन को तो इसमें ओ एन प्लस एम एन ग्रेटर देन होगा ओ एम से इसका मतलब यह है कि ओ एन प्लस ओ एम भी बड़ा होगा एम एन से क्योंकि कोई भी दो साइड ले लीजिए हमने दो साइड लिए फिर ओ एन के साथ एक बार एम एन जोड़ के देख लिया ओ एन ओ एन के साथ ओ एम जोड़ के देख लिया दोनों तीसरे साइड से बड़े ही होंगे अब जो ON होगा वो ओ एम माइनस ओ पी से बड़ा होगा क्यों क्योंकि OP और एम एन तो बराबर है ना देखिए ओ पी और एम एन तो एक ही है इसका मतलब यह है कि जो ओ एन साइड है ये ए प्लस बी जो साइड है ओ एम माइनस ओपी से बड़ी होगी इसका मतलब ये ए प्लस बी था ये ए है ये बी है दो वेक्टर ए बी अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है ये इक्वालिटी और ये ये इन इक्वालिटी और इज इक्वालिटी को हम दोनों बराबर कर ले तो ये आपका आ जाएगा तीसरा ट्राइंगल लॉ लग रहे हैं ध्यान रखिएगा इसमें यदि दो वैक्टर्स है ए बी इसको रिप्रेजेंट किया हमने एडजेसेंट साइड पैरलोग्राम पी क्यू आर एस से तो आपका ये आपका ओपी ए है ये आपका ए हो गया ये बी है ये बी हो गया अब ये देखिए ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये क्या है ना तो अब देखिए सबसे पहले तो मैं इस ओ आर को बोलूंगा कि ये हमारा बी है पी एस बी आर ये अगर बी है तो ये भी बी हो गया ओ कितना हो गया ये वाला ये ए है तो ये आर एस बी आपका ए हो जाएगा अब हमने कहा कि इस ट्रायंगल में हर एक जो साइड है वो दो, दो साइड को सम कर लीजिए उससे कम ही रहेगा तो अगर इस ट्राइंगल को लिया जाए ओ पी एस को तो ओ एस हमेशा इन दोनों के सम से छोटा रहेगा ओ एस इज लेस देन ओ एस ओ पी प्लस पी एस इसका मतलब ए माइनस बी ए माइनस बी कैसे हुआ है हमने क्या किया हमारे पास ये ए था ये बी था देखिए ये ए था ये बी था हमने इसको माइनस बी कर दिया इस डायरेक्शन में अब हमने यहां पर पैरेललोग्राम बनाया माइनस बी के साथ ध्यान रखिएगा ये माइनस बी है और ये भी माइनस बी है फिर तो अब हम क्या करेंगे ए प्लस माइनस बी इज लेस देन ए प्लस माइनस बी यानी कि हम एडी एड कर रहे हैं लेकिन वही चीज हमने जो पहले दो डिस्कशन में की लेकिन यहां पर माइनस रख रहे हैं क्यों क्योंकि माइनस हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है यानी ए माइनस बी लेस देन होगा ये अलग और यहां पर माइनस साइन आप लगाइए माइनस साइन लगाइए इससे कम ही होगा है ना ये हमसे हमेशा कम ही होगा तो यदि दो वेक्टर अगर आप देखें क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है अगर मैं माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो बी ही तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी आएगा माइनस साइन हट जाएगा तो दो वेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी ए और बी के तो सम मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा इस इनइक्वालिटी और इज इक्वल टू को साथ ले लीजिए आपका तीसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी क्यू आर एस ध्यान रखिएगा ये ए है ये बी है लेकिन बी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं यानी कि माइनस बी ले रहे हैं इसका मतलब ये क्या हुआ ए प्लस माइनस बी यानी ए माइनस बी हुआ इवेंचुअली ए माइनस बी तो बना ना ए तो ए माइनस बी हो गया ये इसमें अगेन हम वही चीज़ यूज करेंगे इस पैलोलोग्राम में अगर हम ओ एस और पी एस को ऐड कर दें तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा ओ से अभी काम करिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं इसका मतलब ओ एस बड़ा होगा ओ पी माइनस पी एस से ओ एस आपका यहाँ पर ए माइनस बी दिख रहा है आपको ये ए है ये बी है ए और बी रख दीजिए जो क्वांटिटी है बाएं हाथ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और जो आर एच एस है में, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो तब नेगेटिव आ सकता है अगर हम दोनों क्वांटिटीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे दोबारा मॉड्युलस लेंगे कहने का मतलब ये है कि हम इसका मॉड्यूल लें इसका मॉडल्स लें फिर दोबारा मॉडल्स ले लें इसका मॉड्यूलस जो भी आएगा उसको दोबारा मॉडलेस ले लें दोनों साइड हम मॉड्यूल्स कर लें मॉड्यस का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगा तो डबल मॉड्युलस लिया हम डबल मॉड्यू मॉड्यूल का मतलब ये है कि ये मॉड्यूल्स का तो कोई मतलब नहीं है दो डबल मॉड्यूलस का ये तो एक ही मॉड्यूल्स रहेगा लेकिन हम इसको जरूर मॉड्यूल्स में रखेंगे तो दो वैक्टर जब हम स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे होते हैं ये इन इक्वालिटी है लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन या ये कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इस ग्रेटर देन को हम इक्वालिटी से इक्वेट कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं इन दोनों कम्बाइन के लिए यह आपका इक्वल एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास है ए बी सी और डी इन सबको जोड़ा तो जीरो आया कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है सबसे पहला देखिए ए बी सी डी ए बी सी डी मस्ट ईच बी वेक्टर ये इनकरेक्ट है उसका कारण ये है कि अगर इनको हमको जीरो करना है तो जरूरी थोड़ी ना है कि चारों के चारों नल ही हो हो सकता है एक यहां हो ए और बी जो हो माइनस ए के बराबर हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके को जीरो के लिए फिर आपका ये है ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बताता हूँ आपको जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस सी का इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आप कह रहे हैं जीरो है हम कह रहे हैं ए प्लस सी गया बी और डी को हमने दाएं हाथ पे कर दिया तो ये माइनस आ गया अब दोनों का मॉड्यूल्स ले लीजिए दोनों साइड बराबर हो गया मतलब ए प्लस सी दोनों का मतलब इसका मॉड्यूलस लेते ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है ए प्लस सी की वो बी प्लस डी के बराबर होगी जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीट्यूड ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम सम ऑफ ऑफ मैग्नीट्यूड यानी का कभी भी इन तीनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता ये कैसे होगा आप क्या करिए ए को लेफ्ट में रखिए बाकी सबको दाएं हाथ पे ले जाइए ये माइनस में आएगा है ना माइनस में आएगा दोनों साइड हम मैगनी वो ले लेंगे मॉडुलस ले लेंगे यहाँ भी मॉडुलस ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बीसीडी के और ए बराबर हो जाएगा बीसीडी के जब हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो हम इस इसको लेस देन इक्वल टू अब पहला इक्वेशन जो आपने देखा था वो बताता है कि मैग्नीट्यूड का ए का या तो बराबर होगा बराबर भी हो सकता है लेकिन लेस देन भी होगा बीसीडी के इसका मतलब जो है मैग्नीट्यूड का ए कभी भी इनसे ज्यादा नहीं हो सकता सम से ऊपर अब अगला जो है एक बार मैं इसको पढ़ दूं आपके लिए बी प्लस सी मस लाई इन द प्लेन इफ ऑफ ए बी प्लस सी ए के प्लेन में राय करेंगे और डी के प्लेन में राय करेंगे यदि ए और डी कोलियर नहीं है और इनलाइन नहीं है ए और डी के इनलाइन होंगे ए और डी के यदि वो कोलिनियर है ियर कोलिनियर कोलिनियर मतलब ये होता है एक ही एक ही इस तरीके से कोलिनियर एक लाइन में लाई कर रहे हो तो अब देखिए जब हमने कहा कि इसका सम जीरो है तो रिजल्टेंट सम तीन वेक्टर का ए बी प्लस सी और डी मतलब ए बी प्लस सी और डी ये जीरो कब होगा यदि बी प्लस सी उसी प्लेन में लाई करेगा ये लाई करेगा जब ए और डी के प्लेन तभी तो हम कुछ ट्राइंगल और पैरलोग्राम प्रे, प्रे, वगैरह बना पाएंगे तभी तो हम इसको तीन साइड बना पाएंगे ट्रायंगल के यदि ए और डी ये और ये और ये एक है इसका मतलब सीधा ये है कि जो वेक्टर बी प्लस सी ये इनलाइन है ए और डी के ये इम्प्लीकेशन तभी होता है जब वेक्टर सम इन तीनों वेक्टर का जीरो हो थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर एक uh, सर्कुलर आइस ग्राउंड है जिसका रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर तीन लड़कियां हैं पॉइंट पी से ये स्टार्ट कर रही हैं क्यों तक आती हैं डायमेट्रिकली अपोजिट है इसके और अलग अलग पाथ लेती हैं पी ने ये वाला पाथ लिया किसी ने ये पाथ लिया किसी ने ये पाथ लिया किसी ने ये पाथ लिया तीन पाथ है एक दो तीन मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का इन तीनों के लिए और फॉरविज गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड तीनों का बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और किस किस लड़की का जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है अब देखिए तीनों का कोई भी रास्ता हो ये P से Q की तरफ जा रही है डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस है तो ये जो गर्ल है ये बीच वाली इनका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ये मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजिशन का तो इस केस में जितने भी लड़कियां हैं वो स्टार्ट तो पी से कर रही हैं और पहुंच रही है क्यू पे तो तीनों का जिस डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है यानी कि रेडियस के बराबर है 200 मीटर अब 200 मीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू टू यानी कि 400 मीटर यानी कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का हर एक लड़की के लिए चार मीटर है और जो बी है जिन्होंने जिन जिन्होंने जिन, जिन ये पाथ लिया है उन्होंने उनका एक्चुअल पाथ लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं ओ से ओ से स्टार्ट हो रहे हैं एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है एक किलोमीटर वो कहाँ पर पहुंचते हैं एच पी पी ऑफ द पार्क और उसके बाद यहाँ आते हैं यहाँ से और उसके बाद ये सरकमफेन्स की का जो परिधि है उसकी तरफ चलने लगते हैं और रिटर्न करते हैं सेंटर ओ पे की ओ से तो वो यू जाते हैं यू चलते हैं और यू वापिस चले आते हैं राउंड ट्रिप में इनको समय लग रहा है दस मिनट आपको इनका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहली चीज ये है कि समय का अंतराल दिया हुआ है दस मिनट दूसरा ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस भी दिया हुआ है एक किलोमीटर इसका रेडियस है तो हम ये ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये तो हमारे पास आर है ये आर है ये वन बाय फोर अगर टोटल ले कोई मिला के तो कितना सरकम टू पाई आर तो ये एक चौथाई है तो टू पाई आर फोर इतना पाथ लेंथ कवर किया लेकिन पहली चीज है नेट डिस्प्लेसमेंट शुरुआत की इन्होंने और दोबारा वापिस आ गए इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में दूरी यहां पर साइकिलिस्ट साहब क्या कर रहे हैं चल तो रहे हैं वो से लेकिन ऐसे पहुंचते 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 ये वापिस आ जा रहे हैं दस मिनट में तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनका हो गया जीरो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जो डिस्प्लेसमेंट है नेट डिवाइडेड बाय टाइम अब चूंकि ये जीरो दिया हुआ है टाइम कितना भी रहे ये आएगा जीरो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जीरो अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल पाथ लाइन देना पड़ेगा टू पाई, आर फोर प्रास आर प्रास आर कि टू पाई आर हर जगह आर की जगह तो वन, वन, वन कितना हो गया ओपी पी क्यू और क्यू ओ ओपी रेडियस ही है तो बाकी टू पाई आर बाय फोर जोड़ दीजिए इनको पाई को ट्वेंटी टू बाई सेवन रख लीजिए या थ्री पॉइंट वन फोर रख दीजिए आपका थ्री पॉइंट फाइव सेवन जीरो किलोमीटर आ जाएगा कुल मिला के जो समय ले रहे हैं दस मिनट दस को साठ से डिवाइड करिए वन बाय सिक्स आवर अब स्पीड निकालनी है तो, तो टोटल पाथ लेंथ आपका इतना आ गया है ये वाला नंबर और टाइम हमने वन निकाला दोनों को डिवाइड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओपन ग्राउंड है अब मोटरिस्ट आप जो मोटर चला रहे हैं वो एक ऐसा ट्रैक फॉलो करते हैं जो हर एक पांच सौ मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है एंगल साठ डिग्री से स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न किसी टर्न से अगर कर स्टार्ट करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है इनका सिक्स थर्ड सिक्स और एट्थ टर्न में और कंपेयर करना है आपको मैग्नीट्यूड इस डिस्प्लेसमेंट का जो वो टोटल पाथ लाइन कवर करेंगे हर एक केस में तो यहां से शुरुआत करते हैं कहा किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं बस आपको ये देखना है कि ये अगर यहां पर है तो कुछ ये दूरी चलते हैं पांच मीटर उसके बाद ये सीधा सिक्सटी डिग्री पे मुड़ जाते हैं लेफ्ट में फिर सिक्सटी डिग्री मुड़ जाते हैं फिर सिक्सटी डिग्री मुड़ जाते हैं इस तरीके से ये चलते रहते हैं तो मोटरिस्ट अ, अगर हम थर्ड की बात करें थर्ड पूछा गया है तो यहां पर थर्ड पे कहा आ गए ये एक पहला, पहला टर्न ये हुआ दूसरा टर्न ये हुआ थर्ड टर्न यहां हुआ तो एस पे थर्ड टर्न ले रहे इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर टर्न ये हुआ और सिक्स सेवन एट एट टर्न ये हुआ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का अगर हम इस पी और एस की बात करें क्योंकि ये थर्ड टर्न यहां से ले रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप इन पॉइंट्स को ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 ये 500 और ये P बेसिकली VP और PV और VS अब ये 500 मीटर है ये भी 500 मीटर है अगर आप देखें इनको इसको मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ सेंटर से तो ये भी पाँच मीटर होगा ये भी पाँच मीटर होगा यानी कि एक तरीके से रेडियस कह सकता हूँ रेडियस कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सर्कल नहीं है बट स्टिल ये जो डिस्टेंस होगा हर एक सेंटर का किसी भी पॉइंट से वो 500 मीटर होगा अगर हम इसको ध्यान से देखें क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है और ये भी 60 डिग्री है पूरा और टोटल पाथ लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये तीन हम जोड़ देंगे मैंने पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ पंद्रह सौ हो गया अब टर्न ये कहां पर लेंगे जैसे मैंने बताया पी पे तो लेंगे पी के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे अब देखिए पी से शुरुआत की इन्होंने फिर पी पे दोबारा आ गए इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इसको जीरो कर दीजिए लेकिन टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी क्योंकि हेक्सागन बन गया पूरा तो छह साइड एक दो तीन चार पांच छह छह साइड तो हंड्रेड को हम छह बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन हजार आ जाएगा या पांच सौ को टाइम एड कर देंगे अब एट टर्न ये कहां करेंगे पे जिसमें मैंने आपको पहले बताया था आर से कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से तक कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पर अब हमको यहां से आ तक ये डिस्टेंस तो ये हो गया या ये पी क्यू प्लस क्यू आर या फिर और भी जोड़ेंगे अभी क्योंकि डिस्टेंस तो और चल गए हैं पहले मैं इस बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि पी से लेकर क्यू तक कितना डिस्टेंस होगा तो यहां पर ये है पूरा कॉस ये पूरा सिक्सटी है अगर आपको कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो होगा

डायग्राम में बनाता हूँ आपको ये बीटा चाहिए ये एंगल मतलब ये वाला एंगल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है इस तरीके से तो अब देखिएगा कि मेरे पास ये तो 60 डिग्री है है ना तो ये ये क्यू आर है तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर कॉस्थिटा ये टोटल कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर क्यू आर और ये कितना है हमारे पास अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसको तो ये परपेंडिकुलर भी हम निकाल सकते हैं तो ये जो चीज निकाली हमने फाइव फाइव हंड्रेड साइन सिक्स प्लस 500 500 cos 60, ये वाला आपका ये वाला होगा आपका कॉस कंपोनेंट इस जगह पे हमने निकाला इसको कॉस कंपोनेंट को और ये वाला कॉस्ट कंपोनेंट था तो इसके साथ जोड़ दिया ये वाला का साइन कंपोनेंट होगा यानी कि क्यू आर का क्यू आर साइन बीटा क्यू आर मतलब ये वाला पी आर साइन बीटा और ये पी क्यू प्लस क्यू आर क्यू और जो बी आर पॉइंट मानेट इसको, तो इसको, इसको टर्म है ये टर्म है जो आप यहां देख पा रहे हैं ऊपर वाला साइन टर्म है नीचे वाला टर्म है इसके साथ हमने पांच और जोड़ दिया यानी बीटा आया इनवर्स दिस इसका पूरा जो कि थर्टी डिग्री आया जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो एट सिक्सटी सिक्स पॉइंट जीरो थ्री है एंगल आपका थर्टी डिग्री आया टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया अब देखिए इसमें क्या है जैसे मैं बता रहा था कि इसने तो पूरा एक चक्कर चल लिया और तो पूरा एक चक्कर चलने के बाद तो तो पूरा एक चक्कर चल गया यहां तक आगे उसके बाद दो और आगे बढ़े इतना और इतना यानी कि पूरा चक्कर कितना हो गया सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड फिर और पी क्यू और क्यू आर दो और चले तो कुल मिला के हो गया ये चार हजार तो जो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट और तो टोटल पाथ लेंथ है थर्ड सिक्स और एट्थ वो हमने निकाला वो इस टेबल में दिया हुआ है एक पैसेंजर है जो आ रहे हैं नए टाउन में वो उनकी इच्छा है कि वो जाए स्टेशन से होटल जो दस किलोमीटर अवे है वो स्टेट रोड से जाए एक जो कैब वाले साहब है थोड़े से डिसऑनेस्ट है वो क्या करते हैं कि वो एक सर्किट जैसे पाथ में जो कि तेईस किलोमीटर लंबा है वो लेके जाते हैं उनको और अट्ठाइस मिनट लगते हैं इसमें आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है टैक्सी की और मैग्नीट्यूड क्या है एवरेज वेलोसिटी का और क्या ये दोनों इक्वल है तो हुआ ये कि टोटल डिस्टेंस जो कैब मैन के कारण इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है तेईस किलोमीटर टोटल टाइम है अट्ठाइस मिनट अट्ठाइस मिनट क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है तो अट्ठाइस को साठ से डिवाइड कर दीजिए आवर में आ जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी टैक्सी की कितना तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम यहाँ पर आ गया तो तेईस बटे अट्ठाईस बाई साठ यानी कि पॉइंट नाइन अब इस तरीके से ये गए यू करके यहां पहुंचाया लेकिन ये तो जाना चाहते हैं यहां से यहां तक क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद बताया गया है कि 10 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दस किलोमीटर और टाइम उतना अट्ठाईस तो मिनट ही लगा तो ट्वेंटी एट बाई सिक्सटी तो ट्वेंटी वन पॉइंट फोर थ्री तो जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये इक्वल नहीं है ए, ए, एवरेज स्पीड ज़्यादा है और एवरेज जो, जो वेलोसिटी है वो कम है पानी गिर रहा है वर्टिकली स्पीड इसका इसकी दी है तीस मीटर पर सेकेंड एक महिला है वो एक बाइसिकल चला रही है उनकी स्पीड है दस मीटर पर सेकेंड और ये चला रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में उनको अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए ताकि वो भीगे ना सवाल कुछ इस तरीके से है कि पानी इस तरीके से गिर रहा है अब इसके लिए आपको ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एसाइक करके बनाना पड़ेगा लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस रेन का हमने कहा ये है और जो वुमेन है वो राइड कर रही है बाइसाइकिल को जिसका जिसका, जिसका जो स्पीड है वो है दस मीटर पर सेकेंड तो अगर हम इस रेन को वी आर माने और इनकी साइकिलिस्ट जो है वो इनकी उनका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से माने तो वी सी हमारा वेलोसिटी साइक्लिस्ट की हो गई ऐसी और वेलोसिटी इनकी वी आर इस तरीके से हो गई वर्टिकली मैंने बता दिया और वुमेन जो है वो इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपना स्पीड है इनकी तो अब छतरी कैसे पकड़ेंगे तो छतरी पकड़ने का जो तरीका होगा अगर इनको बरसात से बचना है तो रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी हम रेन की क्या है तो ये अगर v हमको निकालना है ये वी सी है जरा इसको माइनस कर लीजिए क्योंकि तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है माइनस करेंगे तो ये डायरेक्शन हो गया माइनस वी सी हाँ ये वी आर है तो यहाँ पर ये वी क्या बनेगा वी आर प्लस ऑफ माइनस वी सी यानी वी आर प्लस ऑफ माइनस वी सी थर्टी प्लस ऑफ माइनस कि ट्वेंटी और टेन थीटा क्या होगा ये एंगल क्या होगा ये होगा बी सी ए कि दस बटे तीस थीटा निकालेंगे टेन इनवर्स वन बाय थ्री जाएंगे तो ये आपका 18 डिग्री आएगा यानी जो महिला है उनको अम्बरेला पकड़ना पड़ेगा टूवर्ड्स साउथ एंगल क्या होगा करीबन 18 डिग्री वर्टिकल के साथ एक साहब है वो स्विम कर सकते हैं उनका स्पीड दिया हुआ है चार किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में कितने कितना समय ये लेंगे ताकि ये क्रॉस कर सके रिवर जो एक किलोमीटर वाइड है यदि रिवर बह रही है उसकी स्पीड दी हुई है तीन किलोमीटर प्रति घंटा तीन किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रोक्स है यानी कि जो वो तैर रहे हैं वो नॉर्मल लगा रहे हैं जो रिवर करंट है उसके आ, अगेंस्ट हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो वेन ही रीचेस अदर बैंक अब क्योंकि बरसात पानी भी आ रहा है वो तैर भी रहे हैं तो कुछ कुछ वो उनका डिस्प्लेसमेंट उसके कारण हो जाएगा तो कितनी दूरी पे है वो बताना है आपको इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है जो स्पीड है जो साफ तैराक है उनकी स्पीड दी हुई है चार किलोमीटर पर आवर विड है रिवर की एक किलोमीटर तो यहां से यहां तक इसकी विड दी हुई है एक किलोमीटर इधर से इधर तक टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पहली चीज तो समझिए इनको समय कितना लगेगा वो यहां पर आपको जो विड है रिवर की एक किलोमीटर है स्पीड कितनी है रिवर की चार किलोमीटर तो एक बटे चार ये आपका आ जाएगा साठ बटे चार इसको मिनट में कर दीजिए साठ से मल्टीप्लाई कर दीजिए पंद्रह मिनट हो गया अब देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी तो इस तरफ बह रहा है जिसकी स्पीड क्या है तीन किलोमीटर पर आवर अब इसी इसी समय में इसी समय में कितना रिवर ने डिस्टेंस कवर कर लिया अब यहां पर हम यूज करेंगे वी आर यानी कि स्पीड ऑफ रिवर थ्री और टाइम कितना है टाइम आपने देखा पंद्रह मिनट या वन बाय फोर भी ले सकते हैं ऐसी बात नहीं तो थ्री इंटू वन बाय फोर करिए तीन बटे चौथाई किलोमीटर हो गया अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो सात सौ पचास मीटर आ जाएगा ये आएगा आपका आ, हार्बर है और इस हार्बर में जो विंड फ्लो करी है उसकी स्पीड है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा और जो फ्लैग है मास्ट इस बोर्ड पे जो एंकर है हार्बर में वो फ्लटर मतलब वो फहरा रहा है अलोंग एनी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यदि बोर्ड स्टार्ट होती है आ, स्पीड इक्यावन किलोमीटर प्रति घंटा पे नॉर्थ में तो आपको डायरेक्शन बताना है फ्लैग का ऑन द जो मास्ट बोर्ड के मास्ट पे लगा हुआ है तो उसको कुछ इस तरीके से समझिए कि वेलोसिटी पहले हम समझते हैं बोट की हमको दी हुई है इक्यावन किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी जो विंड की दी हुई है वो बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा और जो फ्लैग है वो वो जो फैर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में है ये नॉर्थ है ये ईस्ट है ये आपको बताया गया है कि एनी डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया इसका मतलब विंड कुछ इस तरफ बह रही है ना तभी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बह रहा है इसका मतलब यह है कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में हवा बहेगी तो वहीं वो फ्लैग उड़ेगा उस उस डायरेक्शन में अब जो शिप सेल होगा नॉर्थ की तरफ अगर इस तरफ सेल होगा तो फ्लैग इसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं वी बी बोट की मानू और वी डब्ल्यू आपके विंड की मानू तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी वि, विंड की विद रिस्पेक्ट टू बोट वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी लेकिन पहले मैं इनके बीच में एंगल की बात कर लू एंगल क्या होगी एंगल देखिए कुल मिला के आपका एक एक नब्बे डिग्री बन रहा है कोण और एक पैतालीस डिग्री बन रहा है कोण और अगर मैं इसकी बात करू टेन बीटा की अगर मुझे ये, ये बीटा निकालना है ये वाला एंगल तो ये कितना आएगा टेन बीटा निकालने के लिए फिफ्टी वन साइन नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है देखिए ये जो वी बी है ये वीडब्लू है वीपी को सर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में किया आपने माइनस भी अब ये जो एंगल है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्योंकि मुझे पता है कि ये नाइन्टी डिग्री है ये मेरे मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है मतलब तो अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट फोर्टी डिग्री होता है तो ये फोर्टी है ये पूरा नाइन्टी है नाइन्टी प्लस फोर्टी तो, तो यहाँ से आया लेकिन अगर मुझे टेन बीटा निकालना ये एंगल निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा इसका फॉर्मूला हम थ्योरी में भी देख चुके हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिफ्टी वन साइन नाइनटी प्लस और सेवनटी टू प्लस फिफ्टी प्लस यहाँ वैल्यू रख दीजिए आपका बीटा आ जाएगा टेन मिनट जीरो फोर्टी फाइव पॉइंट वन वन आया अब जो एंगल है इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपको इसको फोर्टी फाइव डिग्री से माइनस करना पड़ेगा तो फोर्टी फाइव डिग्री से माइनस करेंगे ये भी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है जीरो तो पॉइंट वन वन डिग्री देखिए जो फ्लैग है वो फ्लटर करेगा ऑलमोस्ट तो क्योंकि पॉइंट वन वन डिग्री इसके साथ आ रहा है इस डायरेक्शन के साथ तो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में ये फैल रहा होगा एक सीलिंग है लॉन्ग हॉल की वो पच्चीस मीटर लंबी है आपको बताना है वो क्या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जिससे हम बॉल को थ्रो करेंगे जिस एक स्पीड चालीस मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल अब ये है कि पच्चीस मीटर हाइट आपको दी हुई है डायग्राम बता सको इस तरीके से 25 मीटर हाइट है आपको बताना है को थ्रो किया जाए। स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है चालीस तो मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम हाइट दी है पच्चीस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है ये तो मैक्सिमम हाइट जो बॉडी जिसको एंगल थीटा से हम भेजेंगे वो है एच इक्वल टू यू स्कोर साइंस स्क्वाय टू जी आपको एस दिया हुआ है यू दिया हुआ है थीटा आपको अभी पता नहीं है टू इंटू जी नाइन पॉइंट एट इसका मतलब साइन थीटा यहाँ से निकल के आएगा अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स कर देंगे तो ये इसका अगर आप साइन इवर्स देखेंगे थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो एंगल आ रहा है अब रेंज की बात हो रही तो हॉर्जोटल रेंज होता है यू स्क्वायर साइड टू थी थीटा बाई जी थीटा अभी भी हम निकाल चुके हैं ना थीटा अभी भी हम निकाल चुके हैं उसको यहाँ रख देंगे यू हमको पता है चालीस स्क्वायर और ये सारी वैल्यू रख के हम देखेंगे कि हमारा वन फिफ्टी पॉइंट फाइव थ्री मीटर आएगा एक क्रिकेटर है वो बॉल को थ्रो कर सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस सौ मीटर तक कितना हाई कितनी दूरी मतलब वर्टिकली कितना दूर अब ये अबाउ द ग्राउंड ये अब उस बॉल को फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है सौ मीटर अब ये इनका कहना है कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका सौ मीटर है तो क्रिकेटर जो बॉल थ्रो करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए वो किस पे करेंगे 45 डिग्री एंगल पे हम जानते हैं कि 45 डिग्री डिग्री होना चाहिए तभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो जो रेंज है प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर दी है उसको किस तरीके से दिखाया जाता है R G. R आपको सौ दिया हुआ है ये थीटा मैंने कहा फोर्टी फाइव डिग्री तो टू थीटा कितना नाइनटी डिग्री यूजर बाय जी आपका सौ आ गया यानी कि बॉल मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगी जब ये इस तरीके से फेंका जाएगा

इस आ, को इस तरीके से ले आऊं कि भाई मेरे, मुझे कहीं ना कहीं से यू स्क्वायर बाय जी मिल जाए तो मैं इसको री अरेंज करूंगा तो मैं, मेरे पास टू, मैं, आपको यह बताना चाह रहा हूँ जीरो जीरो कर दीजिए तो एच क्या आएगा यू स्क्वायर माइनस माइनस हटा दीजिए यू स्क्र टू जी और यूजकर बायकर यू बाय जी तो हर, सौ है ही हमारे पास उसको यहां रख दीजिए बाय टू यहां रख दीजिए तो हाफ इन टू हंड्रेड यानी कि पचास मीटर गया एक स्टोन 80 80 तो एक एक तो उसकोट सर्कल में घुमाया गया मैग्निट्यूड है, है क्या डायरेक्शन है एक्सलरेशन का इस स्टोन का तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है यहाँ पे एट्टी सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से तो पॉइंट मीटर में आया नंबर ऑफ रेवल्यूशन चौदह दिया गया है

वो हमेशा डायरेक्टेड होगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग और टूअर्ड्स द सेंटर से हर एक पॉइंट पे एक एयरक्राफ्ट है ये हॉरिजॉन्टल लूप परफॉर्म करता है रेडियस दिया हुआ है एक किलोमीटर और स्टडी स्पीड है इसकी 900 किलोमीटर पर आवर आपको इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करना है तो जो जो चीज दी है वो लिख लेंगे रेडियस जो है लूप का वो है एक किलोमीटर यानी कि मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए हजार से तो हजार मीटर आ गया स्पीड दिया है नौ सौ किलोमीटर प्रति घंटा पांच बारह से करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा अब हम जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है बार वी आपके पास है आर इस तो आपके पास है ये आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों को डिवाइड करिए आप मतलब ए सी बाई जी कि सेंटीपीटर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय जी दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिक्स पॉइंट थ्रीट आएगा कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको रीजंस के साथ बताना है कि ये सही है या गलत है तो ये तीन है एक एक करके देखते हैं इसको पहला है जो नेट एक, एक्सेलरेशन एक्सलेशन पार्टिकल का यदि वो सर्कुलर मोशन में है तो हमेशा रेडियस के लॉन्ग होगा और सेंटर की तरफ होगा तो ये पहला गलत है फॉल्स है जो नेट एक्सलेशन होता है किसी भी पार्टिकल का अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रेडियस के अलोंग हो और सेंटर की तरफ हो ये तभी होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी यूनिफॉर्म होना चाहिए सर्कुलर मोशन तभी होगा ये। अगला है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज द टेंजेंट टू पाथ ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट ये सत्य है अगर आप सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये सर्कुलर कैसे घूमता है आप देखिएगा इस तरीके से मूव कर रहा है इस जगह पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है यहां ये ऐसे मूव करता है

एक्सीलरेशन वेक्टर पूरे पूरे सर्कल का जोड़े एवरेज करें तो नल वेक्टर होगा और ये सत्य है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है एक्सीलरेशन वेक्टर का वो सेंटर की तरफ आता है यानी अब ये बात सही हो गई कि ये सेंटर की तरफ आता है लेकिन ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ लेकिन जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे देखिए इधर है तो ये किसी टाइम पे यहां भी मिलेगा यहां मिलेगा तो डायोमेट्रिकली इसको यहां भी मिलेगा तो ये कैंसल आउट होंगे सारे इसका मतलब एवरेज इन वेक्टर्स का एक साइकिल में आपको नल वेक्टर मिलेगा जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कुछ इस तरीके से दी गई है 3.0 पॉइंट आई ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम जब डिफ्रेंसियन करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टी के टर्म्स में करेंगे बाकी j के इसके जो यूनिट वेक्टर्स है वो है टी आपको दिया है सेकंड में और कोफिशियंट इनके प्रॉपर यूनिट है आर की मीटर्स में आपको एक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है वेलोसिटी की इस पार्टिकल की टी इक्वल टू टू पॉइंट जीरो सेकेंड पे तो पहली चीज ये आर वेक्टर है आपको पोजिशन दी हुई है और हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन सीधी सी बात है कि आप इसका डिफेंसिएशन करेंगे यानी डी आर बाई डी टी करेंगे अब आप इस आई जे को भूल जाइए आपके पास एक एक्सप्रेशन है आई जे को भूल जाइए आप केवल इसको लीजिए थ्री पॉइंट माइनस टू पॉइंट जीरो टी स्क्वायर प्लस फोर पॉइंट जीरो अब इसको डिफेंसिएशन करिए डिफेंसिएट करिए आप टी के टर्म्स में क्या डिफेंसिएशन होगा थ्री पॉइंट जीरो टी में टी चला जाएगा थ्री पॉइंट जीरो बचेगा यहां पर टी स्क्वायर टू टी बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा

एक्सरेशन कुछ ऐसा आएगा ये वेक्टर उसके बाद लगा देना इसके आगे अब जैसे ही आप इसमें t इक्वल टू टू डालेंगे इस जगह पे और इस जगह पे तो आपको एक्सरेशन से खैर माइनस फोर ही आ रहा है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई हमने डी आर बाई किया टाइम टू पॉइंट जीरो डालेंगे इस जगह पे t टू डाल दीजिए तो थ्री पॉइंट जीरो आई आ गया मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का आई का जो कोफिशेंट है स्क्वायर प्लस जे का कोफिशेंट स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए ये मैग्नीट्यूड होता है ये एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दीजिए डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे ये वी वाई ये वी वाई है ये यहाँ पर ये वी वाई है ये वी, वी एक्स है तो वी वाई वाई वी एक्स करिए टेन थीटा होता है थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स लगा लीजिए इसके आगे माइनस एट बाई थ्री इसको टेबल से देखेंगे तो करीबन माइनस सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर्टी फाइव डिग्री आए ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वो एक्स एक्सिस से नीचे है और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो ये जो टाइम अगर आप इसको देखें माइनस फोर पॉइंट जीरो तो इसमें भी एक एंगल बन रहा है जो हमने वेलोसिटी के लिए बताया एक पार्टिकल शुरुआत कर रहा है ओरिजिन से टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी ये दी हुई और ये मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में इसका एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्सटेंट ये दिया हुआ है आपको बताना है एट व्हाट टाइम इज दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 16 मीटर किस समय पे एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा क्या वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे और क्या स्पीड होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे तो वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 जे जे ये एक्स है ये वाई है ये जे इसका मतलब जे है ये आपका ये वाला कंपोनेंट जो जो भी आप वाई मानते हैं इस डायरेक्शन इस कॉम्पोनेंट uh, आपको दिया हुआ है जे मतलब वाई के एक कॉम्पोनेंट दिया हुआ है एक्सेरेशन भी आपको बताया गया हुआ है। इसमें आई और जे कॉम्पोनेंट है यानी आपके पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट है इसमें वाई कॉम्पोनेंट है अब एक्सिलरेशन कैसे निकलता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी आपके पास है और एक्सेरेशन आपको दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन है क्या ये है तो एक्सेरेशन को ये लिख दीजिए और डी वी बाय डी भी लिख दीजिए क्यों क्योंकि हमें वेलॉसिटी निकाली हम क्या करेंगे इस एक्सेलरेशन की जगह ये रखेंगे और डीबी बाई डी टी से इक्वेट कर देंगे और डी टी को इधर ले जाएगी ठीक अब डीवी क्या हो गया एट पॉइंट जीरो आई प्लस टू पॉइंटी अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते तो ये तो ये वी वी हो जाएगा एट पॉइंट जीरो के साथ टी आ जाएगा इसके साथ टू पॉइंट जीरो टी आ जाएगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी जुड़ेगा इसके साथ जो हम ये इसको लिख रहे हैं अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये जो हमने बताया ये है क्या ये वो वेलोसिटी वेक्टर है टी इक्वल टू जीरो पे और वी क्या है ये किसी टी टाइम पे लेकिन हम जानते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ ऑफ चेंज टाइम और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस तो डी आर बाई डी टी होता है इस डी टी ले जाइए अभी अभी आपने देखा निकाला हमने इंटीग्रेट करके उसको यहां रख दीजिए डी टी अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा इसको यहां इंटीग्रेट करिए इसको यहां इंटीग्रेट करिए अब कंडीशन क्या है टी इक्वल टू जीरो पे आर इक्वल टू जीरो है टी इक्वल टू टी पे आर इक्वल टू आ है पहले इंटीग्रेट कर देते हैं फिर देखते हैं ये आ रहा है यहाँ पर तो एट पॉइंट जीरो टी टू आ जाएगा यहाँ पर टू पॉइंट जीरो ये जो टी है ये टी स्क्वायर बाय टू यहाँ भी आएगा और यू क्योंकि डी टी के साथ है तो यू तो खैर कॉन्सटेंट लेके चल रहे हैं लेकिन डी टी के साथ ये टी बन जाएगा यू टी तो ये फाइनली आ जाएगा थोड़ा सा थो रीअरेंज करेंगे मतलब इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे एट पॉइंट जीरो बाई टू फोर होता है टू पॉइंट आपका बान हो जाता है तो ये हट जाएगा अब देखिएगा कि जो यू दिया हुआ है ये सवाल में आपको दिया गया है देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से कहा हो रहा है टी इक्वल टू जीरो पे ये इसकी टेन जे दिया हुआ है तो हमारे पास यू ऑलरेडी है तो यू की जगह हम टेन जे रख देंगे ओके तो आई टर्म जे टर्म और ये जे टर्म और आ गया आपका तो ये जी और जे जे को जरा जोड़ दीजिए पहले t plus t square आ जाएगा। अब कि टी हम हमारे पास जो आर होता है कोई भी पोजिशन क्या होता है इसको हम plus से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने क्या किया आर को एक्स आई प्लस वाई जे लिख दिया और ये तो हमारे पास का टर्म आ ही गया था अब एक एक को इक्वेट कर दीजिए फोर पॉइंट जीरो वाई हो जाएगा आपका टेंटी प्लस टी स्क्वायर हमने क्या किया एक्स हमारा हो गया ये मेंबर और जैसे ही मेंबर आया हम इससे टी निकाल सकते हैं कैसे फोर को डिवाइड कर दीजिए एक्स से और अंडर रूट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको सब करके दिखाता हूं एक्स आपका फोर टी स्क्वायर का मतलब क्या है टी स्क्वायर कितना होगा एक्स बाय फोर राइट और टी कितना होगा अंडर रूट एक्स बाय फोर यानी कि अंडर रूट एक्स बाय टू ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसमें वाई भी हमने इक्वेट किया एक्स और वाई इक्वेट किया हमने किया क्या x को हमने बताया कि ये 10t है, ये 4.0 t square है और y इक्वेट किया 10t plus t square। x वाले से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली और y से हमने इसको इक्वेट कर दिया। लेकिन x 16 पे मीटर पे क्या होगा? अगर आप x 16 यहाँ रखें तो क्या आएगा? जो मैंने यहाँ पर कहा था 16 यहाँ रख दीजिए, under root 16 होता है 4, 4, 4 by 2, 2 सेकंड। और y क्या होगा अगेन क्योंकि टाइम आ चुका है इस टाइम को इसमें डाल दीजिए यहाँ टी पे इस टी पे। तो भाई भी आपका अब वेलॉसिटी तो रख दीजिए जहां जहां टी है वहां टू रख दीजिए यू आपके पास है एक टेन जी आपको दिया ही हुआ है सवाल में। तो वी टी आ गया सोला आई प्लस फोर फोर्टीन जी स्पीड क्या होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट तो सोला स्क्वायर प्लस फोर्टीन स्क्वायर फाइव टू 21.26 और j आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स और एक्सिस डायरेक्शन बताना है I j का और I j का. और कौन से कॉम्पोनेंट है और व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्टर ये जो एक्टर ए है टू आई और थ्री जे अलॉन्ग द डायरेक्शन इनके और इनके अला आप ग्राफिकल मेथड इसमें यूज कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं एक पी वेक्टर हम लेके चलते हैं हमें बताया गया कि आई और जे यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस ठीक तो पी एक्स आई और पी वाई जे आई प्लस जे आई और जे दोनों एक्स और वाई के अलोंग है तो ये एक्स के अलोंग है यूनिट वेक्टर तो पी ये वन हो गया ये भी वन हो गया आई प्लस जे यानी कि हमारा पी जो वेक्टर आया वो आया आई प्लस अब देखिए मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं ये मेरे पास है मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं दोनों को तो पी एक्स वन आएगा और पी वाई आपका वन आएगा तो पी एक्स पी वाई वन आ गया और ये वन वैसे भी दिया हुआ है क्योंकि आपका आई और जी अपने आप यूनिट वेक्टर्स दिए हुए तो अपने आप ये वन ही है ये तो केवल अलग तरीका है बताने का लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं क्यों क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एक्स और वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर्स है तो पीएक्स भी वन है पीवाई भी वन अगर इसका आप निकालने चले मैग्नीट्यूड तो आप क्या होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अंडर रूट पी एक्स आपका वन है पी वाई आपका वन है अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट टू हो गया तो आई प्लस जे का जो जो मैग्नीट्यूड है आई प्लस जे का वो क्या होगी आई प्लस जे तो किया आपने ये आई प्लस जे किया ना तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट टू अब ये एक चीज क्लियर होगी ना अब देखिए थीटा आपका एंगल है जो ये पी वेक्टर ये पी वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से ये पी एक्स है ये पी वाई है ये पी वेक्टर बना रहा है ये theta. अब ये 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 अब जो theta बन रहा है, है, है. इसको कैसे निकालेंगे? क्या होगा? तो निकालना है, तो इनवर्स ले लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है वेक्टर सवाल में दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स वन जो कि फोर्टी फाइव डिग्री होता है आई प्लस ये आपका पैतालीस डिग्री बना रहा है एक्स एक एक्सिस से. अब आते दूसरे पे जैसे हमने पी पहले लिया था आई पास जे यहां पर हम पी लेंगे आई माइनस ये राइट तो क्यू क्यू लेते चलिए पी क्यू की इक्वेट एक जैसा हो जाएगा तो क्यू ले लेते ले हैं क्यू हो गया आपका आई माइनस ए अब हमारे पास क्या है क्यू एक्स आई क्यू है क्यू क्या है क्यू एक्स आई माइनस क्यू आई जे ये आई और जे इसके साथ इक्वेट कर दीजिए क्यू एक्स कितना हो जाएगा अगेन वन क्यू आई कितना आ जाएगा अगेन वन या माइनस वन अब क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड हमें लेनी है और इसका वैल्यू निकालना है तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आई स्क्वायर ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो अंडर रूट टू ये भी आएगा तो मैग्नीट्यूड आई माइनस जी का भी अंडर रूट टू रहेगा अब थीटा अब इसमें क्या बात हुई कि जब हम पी एक्स और क्यू एक्स रहे थे तो पी एक्स कुछ इस तरीके से था पी वाई कुछ इस तरीके से था ये पी एक्स यहाँ है और पी वाई ये है लेकिन अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि हम क्यू एक्स तो ये यू ले रहे हैं और क्यूवाई यू ले रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यू एक्स माइनस क्यूवाई की ना तो माइनस के लिए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे क्यूवाई को तो अब हमारा इंटरेस्ट है इस एंगल में ये एंगल कितना होगा फिर से इसी तरफ जाते हैं क्यूवाई बाई क्यू एक्स क्यूवाई की और क्यू एक्स की वैल्यू आपकी एक, की एक वन है कि जो कि हमने आईक करके दिखाया था कि एक की वैल्यू हमारी वन है इसकी ये वन इसका कोफिशन वन है इसका कॉफिशन माइनस वन है क्यू तो एक्स और क्यू आई वैसे तो मैग्नीट्यूड इनकी वन है लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका माइनस में तो एक क्यू एक्स है वन और एक है क्यू एक्स वन है क्यू आई माइनस वन माइनस वन बाय वन इसको आप लेंगे तो आपको माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आएगा माइनस फोर्टी फाइव यानी कि ये वाला डिग्री है तो आई और जे आई माइनस जे जब करेंगे तो ये माइनस फोर्टी फाइव डिग्री बनाएगा एक्सिस राइट तो इस तरीके से हम कर सकते हैं

मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों का स्क्वायर करिए ऐड कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए तो अंडर रूट थर्टी नाइन अब क्योंकि ये है हमारे पास ए वाई हमारे पास दिया हुआ है टू ए वाई हमारे पास दी वाई तो अगर हमको ये निकालना है टेन थीटा तो आएगा थ्री बाई टू यानी इनवर्स अगर थीटा निकालना है तो टेनवर्स वन डिग्री आएगा अब ये तो केवल टू टू, टू आई प्लस थ्री जे का एंगल निकला है लेकिन अगर हम एंगल निकालना चाहे इनके और इनके बीच में मतलब टू आई प्लस थ्री जे और आई प्लस जे के बीच में तो थीटा इनके बीच में पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा एक का फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री वन आया था एक का फोर्टी फाइव डिग्री आया था दोनों का डिफरेंस है इलेवन पॉइंट थ्री वन तो जो कॉम्पोनेट होगा वेक्टर ए का अलॉन्ग डायरेक्शन पी जो एंगल थीटा बना रहा है वो होगा एक ऑस्थीटा जो कॉम्पोनेंट है एक थीटा है और पी कैप है इसमें क्योंकि पी के डायरेक्शन में निकालना है कॉम्पोनेट ऑफ ए और एक कॉम्पोनेट क्या होता है एक थीटा ंग पी तो एक ऑस थीटा थीटा ये वाला ये वाला एंगल लेंगे और यहाँ पे पी कितना है आई प्लस जे बाय टू क्योंकि पी का यूनिट वेक्टर निकालना है ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर है इसका मतलब आई प्लस जे तो करेंगे करेंगे साथ में अंडर रूट आई का जो कॉम्पोनेंट है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इसका अंडर रूट नीचे रखेंगे तो इसका यूनिट वैक्टर निकालेंगे ये यूनिट वैक्टर है तो एक ऑस ये जो डिफरेंस निकाला हमने और आई प्लस जे बाय टू ये यूनिट वैक्टर है इसीलिए ये काम किया है अब जरा अच्छा सा सॉल्व कर लेंगे इसको ए हमारे पास अंडर रूट थर्टीन है ये भी हमने निकालना कॉस्ट एलेवन पॉइंट थ्री वन निकालने की कोशिश करेंगे तो माइन जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो सिक्स आएगा रूट टू ए रहेगा आई प्लस जी एक रहेगा इसको सॉल्व करिए आई प्लस जे आपकी जो अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए आई प्लस जे आप निकाल चुके हैं रूट टू होता है इसको मल्टीप्लाई करिए फाइवर रूट टू आएगा अब अब एंगल क्या होगा टू प्लस थ्री जे और आई प्लस जे के बीच मान लीजिए इनके बीच में थीटर डैश एंगल है तो थीटा डैश एंगल क्या होगा 45 डिग्री एक का आया था 56.31 दूसरे का आया था लेकिन लेकिन इसमें एक बात है जब आप इसकी बात कर रहे थे एक एंगल आपका आपको याद होगा एक एंगल हमारा इस तरीके से 45 डिग्री आया था और एक एंगल हमारा माइनस फोर्टी डिग्री आया तो हमारा जो 56 आया था हमने एक बार उसका ये एंगल निकाला और एक बार हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं यानी कि हम लोग हमको पैतालीस के साथ करना पड़ेगा एक सौ एक दशमलव थ्री सिक्स काम वही होगा लेकिन इसमें एंगल थोड़ा सा क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं कॉम्पोनट वैक्टर ए का डायरेक्शन ऑफ क्यू और क्यू क्या है आई मानस जे यानी कॉम्पोनेट वेक्टर ए का निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आई मनस जे तो अब क्या करेंगे एंगल हमारा ये दो जोड़ लेंगे क्योंकि हमने देखा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी जो हमने पी और क्यू की बात कर रखी थी अब ए की बात जब करेंगे तो इसके साथ एंगल जोड़ेंगे वही काम करेंगे एक और थीटा अब यहां पर आपको इसका यूनिट वैक्टर निकालना है क्योंकि जब जब भी हम कॉम्पोन निकालते हैं किसी डायरेक्शन में तो उसका यूनिट वैक्टर लेते हैं एक और थीटा डबल डैश जो कि वन जीरो रख दीजिए ए हमारा रूट थर्टीन आ चुका है ये आई माइनस जे तो करेंगे करेंगे साथ में अंडर रूट टू कर क्यों करेंगे तब ये यूनिट वेक्टर बनेगा अब जैसे पहले किया था इसको सॉल्व कर लेंगे और चाहे तो इसको और थोड़ा सा थो सॉल्व कर सकते हैं जैसे कॉज नाइन जीरो है आप जानते हैं कि ये साइन में कैसे चेंज होगा ये मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है मल्टीप्लाई कर लेंगे आई माइनस जी आएगा इसको इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का होंडर रूट टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई रूट टू आएगा फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच फॉलोइंग दिलेशन आर ट्रू कोई भी आर्बिट्रेरी मोशन हो रहा है इनमें से कौन कौन सा ट्रू है इसमें जो एवरेज आप देख रहे हैं ये एवरेज तीन जगह आया है ये एवरेज क्या होता है ये एवरेज है क्वांटिटी का किसी टाइम इंटरवल टी वन से टी टू तो पहले चीज देखिए ये है आपका हाफ वी टी वन प्लस वी टी टू यानी कि आप एवरेज निकाल रहे हैं पहली की वेलोसिटी टी वन इंस्टेंट पे दूसरी की वेलोसिटी टी टू पे डिवाइड बाई टू लेकिन सवाल यह है कि मोशन आर्बिट्रेरी है आर्बिट्ररी मोशन में अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन होता तो आप वी टी वन प्लस वी टी टू बाई टू कर सकते थे ये आर्बिट्ररी मोशन है आर्बिट्ररी का मतलब होता है कैसा भी कैसा भी हो सकता है तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी दोनों का जोड़ करके डिवाइड बाय टू नहीं दूसरे की बात करते हैं दूसरा क्या बोलता है आपको बताता है वी एवरेज यानी ये वाला आर टी टू माइनस आर मतलब आपका पोजिशन टी पे इन दोनों को घटाया टी वन टी टू पे था और टी वन पे था दोनों को घटाया डिवाइड बाई टाइम इट तो ये सत्य है किसी भी आर्बिटरी मोशन में पार्टिकल इसको इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां कोई दिक्कत नहीं तीसरा है वीटी टू वी जीरो प्लस ए टी अब अगेन वही बात आ गई सवाल में दिया हुआ है कि मोशन पार्टिकल का कुछ भी हो सकता है आर्बिटरी इसका मतलब एक्सिलरेशन पार्टिकल का वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है जब नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सिलरेशन होता है वल टू यू प्लस ए टी से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे फिर अगला है यह आर टीवल टू आर जीरो प्लस वी जीरो इक्वेशन है मोशन की और इसके लिए बिल्कुल सेम डिस्कशन रहेगा क्यों क्योंकि आर्बिट्ररी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये भी नहीं चलेगा अब वी टी टू माइनस वी टी वन बाई टी टू माइनस टी वन एक्सलेशन एवरेज जो हमने डिस्कशन वेलोसिटी के लिए किया था अगर हम वेलोसिटी एवरेज निकाल सकते हैं डिस्टेंस माइनस करके टाइम माइनस करके उनका डिवीजन लेके, तो हम वेलोसिटी का डिफरेंस लेके और टाइम के डिफरेंस लेके डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली देखिए और बताइए कि रीजन के साथ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है पहली चीज स्केलर क्वांटिटी करके हम इसको डिस्कस करेंगे पहले एस कंजर्व इन प्रोसेस क्या ये ट्रू है या फॉल्स है स्केलर क्वांटिटी तो है इसमें कोई शक नहीं हम बोल रहे चलिए स्केलर क्वांटिटी है लेकिन एनर्जी कोई भी इलास्टिक कोल्यूजन अगर हो तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो ये चीज यहां पर हमेशा सत्य नहीं होगी अगला है कैन नेवर टेक नेगेटिव एल्यूज फॉल्स है स्केलर क्वांटिटी के होने के बावजूद भी आप देखिए टेम्परेचर नेगेटिव में होता है जहां पर बहुत बर्फ गिरती है माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है तो नेगेटिव हो सकता है स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशन लेस अब देखिए टोटल पाथ लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसका डायमेंशन तो लेंथ का है ये भी फॉल्स हो गया डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन स्पेस स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यह वेरी नहीं करेगी तो इसको भी हम फॉल्स कहेंगे जैसे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जिस जगह पे ले जाएंगे ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होती रहेगी फिर है हैज द सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ये बात सत्य होगी क्यों क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है अलग अलग ओरिएंटेशन में देखते रहे आप ये वेरी नहीं करेगी क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है इसमें एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है इतनी हाइट पे चौतीस सौ हाइट पे ग्राउंड से ऊपर यदि एंगल जो सबटेंड कर रहा है एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस टेन सेकंड अपार्ट इज थर्टी सेकंड यदि जो एंगल मान लीजिए यहां पर है और यहां पर है तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है ग्राउंड पे वो ये बताया गया है कि ये तीस डिग्री है वॉट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट निकालना है तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगा ये आपका फिगर है यहां पर था फिर यहां पर आया यह कुल मिला के तीस डिग्री बन रहा है तो एकदम वर्टिकली अगर ऊपर होगा तो ये पंद्रह डिग्री ये पंद्रह डिग्री ओके ये क्लियर हो गया अब देखिए हाइट दी हुई है चौतीस सौ मीटर जो एंगल सबटेंड हो रहा है तीस डिग्री तीस डिग्री समय बताया गया है दस सेकंड यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने की जो का समय है इनका दस सेकंड अब अगर आप इस डिग्री इस एंगल को हाफ फिफ्टीन डिग्री निकालना चाहें तो वो क्या होगा पी आर बाय ओ आर ओ आर टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर ये हो गया इस एंगल के अनुसार ये बेस ओ आर तो पी आर कैसे आएगा पी आर कैसे आएगा ओ आर इंटू टेन फिफ्टीन डिग्री टेन फिफ्टी डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका पी आर जाएगा अभी इसको ऐसे रखते हैं अब इसको ऐसे रखते हैं टेन फिफ्टीन की वैल्यू नहीं डालते ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है इसका मतलब जो है पी आर और आर क्यू आपको बराबर है लेकिन पी क्यू क्या है पी आर प्लस इस यानी कि पी आर लिख सकते हैं क्योंकि अब पी आर और RQ बराबर है तो टू हो जाएगा अभी अभी आप पी आर निकाल चुके हैं इसको यहां रख दीजिए टू इंटू थर्टी फोर हंड्रेड इंटू टेन फिफ्टी डिग्री अब हम इसकी बाकायदा वैल्यू निकालेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई करके सिक्सटी हंड्रेड हो गया सिक्सटी एट हंड्रेड ये पॉइंट टू सिक्स एट मल्टीप्लाई करिए आपका ये दूरी हो गई स्पीड कैसे निकालेंगे ये आपकी दूरी निकल गई दस सेकंड आपको दिया गया है इन दोनों को डिवाइड करिए स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम 182.24 मीटर पर सेकेंड तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आप सभी की